गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। तो याद होगा तुम लोगों को, लास्ट टाइम मैंने एंशियंट पीरियड और मेडिवल पीरियड के बारे में बताया था, जिसमें एंशियंट पीरियड में किस क्या हिस्टोरियोग्राफी है, हमारा मोहिंजादारो, हरप्पन सिविलाइजेशन, ये सब हमारे एंशियंट टाइम के हिस्ट्री पीरियड है, जिसमें कॉइन्स निकले थे, ये पिलर्स निकले थे, फिर मैन्यूस्क्रिप्ट्स निकले थे, उनके लिखावट निकली थी। मेडिवल पीरियड में जैसे कि शिवाजी के टाइम पर बखर लिखा जाता था, बखर में सब देश, रीजन, किंगडम, उनके प्रॉस्पेरिटी, उनके पैसे के बारे में, उनके कल्चर के बारे में लिखा जाता था। बाद में जब मुगल्स इन लोगों ने अटैक किया, तो उनके जो पोएट्स हैं और उनके जो राइटर्स हैं, उन लोगों ने किंग का अच्छा भी और बुरा भी लिखना शुरू किया, करेक्ट कि नहीं? और हर किंग की बायोग्राफी, उन्होंने क्या क्या किया, ये सब बखर में डिफाइन किया जाता था, जो बाद में हमें मिला और हम उस पर पढ़ के हम सोचते हैं कि किस तरीके से हमारी पुरानी पीढ़ी आगे बढ़ी। तो उसके बाद जब ये शिवाजी महाराज का टाइम और ये सब टाइम चला गया, फिर आया मॉडर्न पीरियड, 20th सेंचुरी। और 20th सेंचुरी में तो हम जानते ही हैं, ठीक है, वो तो हमारे दादाजी के टाइम से अगर समझ लो कि है, ब्रिटिश रूल आया। ब्रिटिश जो हैं वो पहले इंडिया में बिजनेस के नाते आया था। क्या बिजनेस करने? टेक्सटाइल, कपड़े का बिजनेस करने आया, ईस्ट इंडिया कंपनी बोल के, और हमने भली भांति सोचकर उनको एंट्री दे दिया। धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे 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 इंडिया को इस तरीके से ग्रास कर लिया कि बाद में वो इंडिया का रूलर बन गया। ओके, तो देखो, इन 20th सेंचुरी द इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल। A number of ancient sites were excavated under the supervision of Sir Alexander Cunningham, the first Director General of the Archaeological Survey of the India. He chose mainly sites of, kaun sa sites of India. He made in the Buddhist texts for this purpose. Harappan civilization was discovered during the tenure of Sir John Marshall. So Sir John Marshall jab the, tab 20th सेंचुरी में ब्रिटिश लोगों ने एक्सकवेशन शुरू किया। एक्सकवेशन मतलब खुदाई, ठीक है, मैं देखो बताता हूँ एक्सकवेशन मतलब क्या था, खुदाई। यहाँ पर देखो, एक मिनट, हाँ, तो देखोगे एक्सकवेटेड, ये वर्ड दिख रहा है, एक्सकवेशन मतलब खुदाई, ओके, खोदना। उसमें कहाँ कहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे बोल के एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, जो सिर्फ ये खुदाई और पुरातत्व विभाग, हिंदी में बोलते हैं पुरातत्व विभाग, इन लोग पूरा इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए अलग अलग जगह पर खुदाई करने लगे, ठीक है। अब खुदाई करके इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें मिलने लगी। फिर देखो, ये है अलेक्जेंडर कनिंगम और ये जॉन मार्शल। अब मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स, काफ़ी बड़े बड़े ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में खुद के राइटिंग में लिखा और खुद भी लिखा, और लिखकर उनका ब्रिटिश पर काफ़ी अच्छा रोल बैठा कि इंडिया के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, कितना कल्चर है, क्या कल्चर है, कैसे खाना खाते हैं, कैसे सब कुछ करते हैं, ये सब ब्रिटिश लोग अपने हिस्ट्री में इन्वॉल्व किए। तो बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब जब ब्रिटिश इंडिया में आया तो उसका हिस्ट्री 3 वॉल्यूम्स में लिख ले, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। किसने लिखा था, देखो, जेम्स मिल ने, और पब्लिश कब हुआ ये, 1817 में। This was the first book of Indian history written by British historian. British historian ने ये पहला book लिखा था इंडिया के बारे में,
ठीक है, इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स एन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एंड प्रीजस्टिस प्रीजुडिस अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कल्चर। तो बुक पढ़ने के बाद पता चला कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है, पर्सपेक्टिव है, बुक में कुछ भी नहीं है। इंडियन कल्चर के बारे में इतना कुछ सारा जगह पे डिफाइन ही नहीं किया हुआ है। तुम देखोगे इंडिया में वेराइड कल्चर है, साउथ में चले जाओगे तो साउथ का कल्चर है, सेंट में ये नॉर्थ में चले जाओगे तो नॉर्थ का कल्चर है, अलग कल्चर है वहाँ पे, ईस्ट में अलग कल्चर है और वेस्ट में अलग कल्चर है। लेकिन ये बुक पूरी तरीके से सारे कल्चर्स को डिफाइन करने में केपेबल नहीं रहा, ठीक है। तो उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन गवर्नर ऑफ बॉम्बे नाउ मुंबई वॉज पब्लिश्ड इन 1841। याद होगा तुम लोगों को माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, इसके नाम पर आज भी मुंबई में एक जगह है दैट इज कॉल्ड एज एल्फिंस्टन रोड, ठीक है। ये एल्फिंस्टन रोड मुंबई में एक जगह है, एक स्टेशन भी है, तुम लोग सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ये एल्फिंस्टन रोड इस इंसान के नाम पर लगा, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ओके। तो माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया का बुक लिखा और पब्लिश किया 1841 में, ओके। द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। ग्रैंट डफ नेम स्टैंड आउट अमॉन्ग द ब्रिटिश ऑफिसर हु रोट अबाउट मराठा हिस्ट्री। इसमें से एक ब्रिटिश एम्पायर आदमी जिसका नाम था ग्रैंट डफ, ठीक है ना, उसने मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखना शुरू किया, ओके। और मराठा हिस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा प्रभाव छोड़ा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिटेल्स दिए हैं, किस तरीके से उन लोग इंडिपेंडेंस के लिए लड़े, ये सब उस बुक में लिखा गया। और उस बुक का नाम क्या रखा गया, देखो, हिस्ट्री ऑफ मराठास, ठीक है। याद रखना एल्फिंस्टन ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था, उसके ऊपर लॉर्ड ने माउंटबेटन ने इसका हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा था, और ये इसने ग्रैंट डफ ने हिस्ट्री ऑफ मराठास लिखा था। द बुक इज पब्लिश्ड इन 3 volumes, ये भी 3 volume में आया। ग्रैंट डफ्स राइटिंग इज ऑल्सो शोन्स द ब्रिटिश इंक्लिनेशन ऑफ कंडेमनिंग इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री। ग्रैंट डफ के बुक में ब्रिटिश का किस तरीके से इंडियन कल्चर को दबाना और उसके हिस्ट्री को दबाना, ये भी उसके बुक में लिखा गया था। सिमिलर टेंडेंसीज विटनेस्ड इन कर्नल टॉड्स राइटिंग अबाउट राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान के हिस्ट्री में भी कर्नल टॉड बोल के एक जन ने, जिसने राजस्थान की हिस्ट्री में लिखा था, वो उसके इसमें भी राजस्थानी लोगों को किस तरीके से ब्रिटिश लोग दबाते थे, उनके कल्चर को दबाते थे, वो भी बुक में लिखा गया था। द 2 volumes रिटन बाय विलियम विल्सन हंटर ऑन इंडियन हिस्ट्री शोज ए समवाट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजौड़े वे 2 Indian हिस्टोरियंस हु टुक अप द टास्क ऑफ एक्सपोजिंग द लिमिटेशन ऑफ ग्रैंट डफ राइटिंग। तो नीलकंठ इंडिया का एक आदमी और विश्वनाथ राजौड़े, ये 2 Indian हिस्टोरियंस, मतलब जो इंडिया के थे, ठीक है ना, उन लोगों ने ये ग्रैंट डफ के राइटिंग्स के लिमिटेशंस, मतलब कितना कम लिखा उसने, उसमें उसके बुक में क्या क्या खराबी है, वो सब इन लोगों ने एक्सपोज किया, ठीक है। किसने, नीलकंठ कीर्तने और विश्वनाथ राजौड़े। मेरे को पता है तुम लोगों को डिफ़िकल्टी हो रहा होगा कि इतना लोगों का नाम कैसे याद रखे, लेकिन कुछ कुछ लोगों का ही नाम हमें याद रखना है, ठीक है। ये सिर्फ हम हिस्ट्री के उस पार्ट को पढ़ रहे हैं जिसमें किसने किसके बारे में लिखा, किसने किसके बुक के बारे में लिखा, ठीक है। फिर एक टाइम आया इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, मतलब अब इंडियन राइटर्स लिखना शुरू किए, उसमें कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज। पहले क्या होता था मैं तुम्हें बताता हूँ। अब जैसे स्टेट्स हैं, ठीक है ना, अभी कैसा है, स्टेट्स है, लेकिन तभी स्टेट्स नहीं था, तभी था कॉलोनीज। कॉलोनीज मतलब इस कॉलोनी के अंदर कुछ लोग रहते थे, 2000-4000 लोग रहते थे, उसके बाजू में एक और कॉलोनी होता था, कॉलोनी नंबर 2, वहाँ पर कुछ लोग रहते थे,
पीपल रहते थे, और ये कॉलोनी वन कॉलोनी टू एक किंग के नीचे आता था या ब्रिटिश एम्पायर के एक एरिया के अंदर आता था। डिपेंड करता था कि कौन किस कॉलोनी में रिसाइड करता है, ठीक है। तो द अर्ली स्कॉलर्स हु स्टडीड एंड रोट इंडियन हिस्ट्री वेर मेनली ब्रिटिश ऑफिसर एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। देयर प्रिजुडिस इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन वे सम ऑफ देम हैव रिडिक्यूल्ड इंडियन कल्चर देयर राइटिंग्स व्हाट वर यूज टू जस्टिफाई द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल। द फाइव वॉल्यूम्स ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश ड्यूरिंग 1922 टू 1937 आर डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। देखो ये बहुत अच्छा है बात। 1922 से लेके 1937 के अंदर पांच वॉल्यूम निकले कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोलकर, ठीक है, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोलकर पांच वॉल्यूम्स निकले। इन पांचों वॉल्यूम्स में इंडिया के हिस्ट्री के बारे में सारी बातें लिखी गई थी इंडियन हिस्टोरियोग्राफी द्वारा, ठीक है। उसके बाद कोरियन कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी जब खत्म हुआ, ये टाइप्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है, ठीक है ना, किस तरीके का हिस्टोरियोग्राफी लिखा गया, एक कॉलोनीज के बेसिस पर लिखा गया, और दूसरा है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। मेनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। सम ऑफ द स्कॉलर्स फेल्ट एडमायरेशन एंड रेस्पेक्ट फॉर देम। दिस स्कॉलर्स वेल नोन एज ओरिएंटलिस्ट। तो ओरिएंटलिस्ट किसको बोलते हैं, कुछ यूरोप के कुछ स्कॉलर्स थे जो पढ़ने में अच्छे थे, ठीक है ना। स्कॉलर्स मतलब एकदम ऐसा नहीं कि कुछ चलो बहुत बड़ा मार्क्स ले लिया, उन लोगों ने पढ़ाई की थी, तभी पढ़ाई करने वाले को और ग्रेजुएट होने वाले को जो ग्रेजुएट डिग्री ले लेता था उनको स्कॉलर्स बोला करते थे, ठीक है ना। तो उनको ईस्ट के सिविलाइजेशन मतलब दूसरे देशों के सिविलाइजेशन वहाँ के लोगों के बारे में जानने की बहुत क्या बोलते इच्छा जागी, इच्छा आया, तो उन लोग ने ये हिस्टोरियोग्राफी लिखना शुरू किया और उन स्कॉलर्स का नाम पड़ गया क्या, ओरिएंटलिस्ट। क्या नाम पड़ा, ओरिएंटलिस्ट। द ओरिएंटलिस्ट स्टडीड द सिमिलरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज। अब ये जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स आए थे ना, इन लोगों ने संस्कृत के बारे में और यूरोपियन लैंग्वेजेस के बारे में सिमिलरिटी पढ़ना शुरू किया कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी होगा, ठीक है। दे फोकस्ड मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर। तो वैदिक ट्रेडिशन और संस्कृत लिटरेचर के बारे में, ठीक है, तुम लोग देख रहे होगे वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर के बारे में उन लोगों ने जानना शुरू किया, ठीक है। तो द स्टडीज रिजल्टेड इन फॉर्मुलेटिंग द नोशन ऑफ एंशियंट लैंग्वेज दैट कुड बी द मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो उन लोगों ने इंडिया और यूरोप का, ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज मतलब इन दोनों के लैंग्वेज के बीच में, मतलब हम लोग तो तभी संस्कृत बोलते थे, संस्कृत हिंदी ही हमारा स्क्रिप्ट था, इंग्लिश तो हम लोगों को ब्रिटिश ने आकर सिखाया, ठीक है। स्क्रिप्ट हमारा तीन ही था, वैदिक, देवनागरी मतलब हिंदी, और अलग अलग जगह पर थोड़े से अलग अलग स्क्रिप्ट फॉलो होते थे अलग अलग कॉलोनीज़ में, जैसे कि साउथ में चले जाओ तो अलग स्क्रिप्ट था, लेकिन हम बेसिकली वैदिक और संस्कृत को ही बिलोंग करते थे सारे स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो ये यूरोपियन लोगों ने इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को लाना शुरू किया, एक ऐसा लैंग्वेज जिससे बोथ इंडियन एंड यूरोपियंस गेट कनेक्टेड टू वन अनदर, ठीक है। तो इन 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। तो सर विलियम जोन्स ने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी निकाला कोलकाता में। इट ओपन द डोर फॉर रिसर्च इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर। मतलब इस सोसाइटी का काम क्या था, इंडिया के पुराने लिखावट और हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, ठीक है ना। मतलब पुराने जो जिसने क्या क्या लिखे हैं, क्या लैंग्वेज फॉलो होता था, क्या क्या देश में, क्योंकि किसी भी देश का अगर हालचाल जानना हो कि इतने साल पहले देश कैसा था, आज भी अगर हम सोचे
तो अगर तुम लोगों के दिमाग में मैं डालूं कि 1920 को यहाँ पे क्या होता था, तो तुम लोग सोचोगे बुलक कार्ट चलता था, फार्म्स चलते थे, लोग चल के जाते थे, कोई नहीं इमेजिन करेगा कि कार था, बराबर, कोई नहीं इमेजिन करेगा कि लोगों के पास बड़े बड़े बंगले थे, सबके मन में आ जाएगा कि अरे लोगों के पास झुग्गियाँ था, ठीक है ना, छोटे छोटे झोपड़ियाँ थे, लोग फार्मिंग करते थे, लोग अलग अलग तरीके का ट्रेडिंग करते थे, सॉल्ट बेचते थे, सुगर बेचते थे, भाजी बेचते थे, इस तरीके से एक दूसरे का आदमी एक दूसरे का चीज़ खाता था, बाटर सिस्टम, करेक्ट कि नहीं। तो जब हम भी आज इस 2020 में हैं, तो 2020 में भी हम अपना एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, हर एक दिन, हर एक टाइम एक हिस्ट्री क्रिएट हो रहा है। अभी ये 2020 में कोरोना वायरस आया, ये भी एक हिस्ट्री का पार्ट हो गया कि ये कोरोना वायरस आने के वजह से पूरी दुनिया बंद थी, ठीक है। तो ये भी लिटरेचर और स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा कि पूरी दुनिया किस तरीके से बंद थी, कितने लोगों ने जान गंवाया, कितने लोगों को तकलीफ़ हुआ, कब हम इससे उभरे, का ये क्या हुआ, दुनिया का सब हर दिन लिखा जाता है, ठीक है, जिससे कि जब आगे लोग, आगे हमारा जनरेशन आए तो उनको प्रूफ मिले कि भाई हम लोग क्या थे, क्या नहीं थे, कार चलती थी, फ्लाइट चलता था, ठीक है ना। तो अगर इंसानियत ख़त्म हो जाए तो आगे अगर कोई इंसानियत आए तो उनको ये सारे बातें मिली, ठीक है। तो ये सब हिस्ट्री लिखने का ज़रूरत इसलिए पड़ता है, ठीक है। तो अमोंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर फ्रीडेक मा मूलर डिजर्व्स ए स्पेशल मेंशन इन हिज ओपिनियन। संस्कृत वॉज द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर। ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश। ही वॉज द एडिटर ऑफ 50 volumes of the Sacred Book of the East. He also compiled Rig Veda, which has been published in 6 volumes. He translated Rig Veda in German. Okay. तो देखो, तो सबसे पुराना लैंग्वेज संस्कृत, ठीक है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस ने ये डिस्कवर किया कि हमारा संस्कृत जो भाषा है, ठीक है ना, ये सबसे पुराना है। और यूरोप से आया हुआ फ्रेडरिक मैक्स मूलर, इसका फोटो तो तुम लोग देख ही रहे हो, ठीक है, उसने बोला कि भाई ये जो संस्कृत लैंग्वेज है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस पर तो पढ़ाई की जा सकती है, ठीक है। और उसने फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश। ही वॉज द एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम्स ऑफ सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट। ही ऑल्सो कंपाइल्ड ऋग वेदा। देखो उसने क्या किया, संस्कृत का एक बुक था ये फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने, हितोपदेश बोल के, क्या बुक का नाम था, बुक का नाम देखो, हितोपदेश, ठीक है, ये संस्कृत में लिखा हुआ था। ये मूलर ने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, क्यों, क्यों इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया, हमारे लिए नहीं, यूरोपियन लोगों के लिए, जिससे कि यूरोपियन लोगों को पता चले कि इंडिया में क्या क्या है, क्या क्या कल्चर है, क्या क्या कल्चर था। तो अभी मूलर तो सब जगह तो घूम नहीं सकता, उससे अच्छा किसी का बुक ले लो और उसका स्क्रिप्ट से लिख लो, समझ में आया। तो उसने 50 वॉल्यूम्स ऑफ सीक्रेट बुक्स ऑफ ईस्ट, सोचो ब्रिटिश लोग 3 वॉल्यूम में ख़त्म कर देते थे, लेकिन इसने कितना वॉल्यूम निकाला, 50 वॉल्यूम निकाला, ठीक है। एंड उसने ऋग्वेदा को भी कंपाइल करके इंग्लिश में कन्वर्ट किया, और केवल इंग्लिश में नहीं, ही ट्रांसलेटेड ऋग्वेदा इन जर्मन, जर्मन भाषा में भी उसने ऋग्वेदा को कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये तरीके के स्कॉलर्स, ठीक है, जो ये स्कॉलर्स है, ओरिएंटल राइटरिस्ट है, ओरिएंटलिस्ट राइटिंग्स है, इन लोगों ने काफ़ी लोगों के बीच में इंटरेस्ट छोड़ा कि भाई इनको एक ये मिलना ही चाहिए, ठीक है, एक दर्जा मिलना ही चाहिए, क्लियर। चल,
आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी। नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी में हम क्या देखेंगे, देखो, द राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियन वे ट्रेंड इन द ब्रिटिश एडुकेशनल सिस्टम शोन एन इंक्लिनेशन टू रिस्टोर द प्राइड ऑफ एंशियंट ग्लोरी ऑफ इंडिया एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ द इंडियन रीडर्स। इसका मतलब है नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी, मतलब हमारे देश के हिस्टोरियन जिन लोगों ने ब्रिटिश के अंडर पढ़ाई की और ब्रिटिश के अंडर पढ़ाई करके उन लोगों ने क्या सोचा कि हमारे देश की इज्जत, तो बहुत सारे ब्रिटिश वालों ने, राइटर ने क्या किया था, हमारे देश की इज्जत बुक में निकाल दी थी कि हम लोग देहाती है, हमारे पढ़ाई नहीं है, हम लोग स्लेव है, हम लोगों को ऊपर रूल ही करना चाहिए, गधा मजदूरी करना चाहिए, ये सब अलग अलग बुक में लिखा हुआ था कि हम लोग ब्लैक्स हैं, ठीक है, हम लोगों को ब्लैक्स बोलते हैं, ठीक है, तो ब्लैक्स हैं इनके ऊपर तो सिर्फ रूल करने के लिए इनको पैदा हुए। इंसान का दो कैटेगरी है, एक है किंग, मतलब जो वाइट चमड़ी वाले हैं वो किंग बनेंगे और जो ब्लैक चमड़ी वाले हैं वो स्लेव बनेंगे, ठीक है, ऐसा ये सब हिस्टोरियंस लिखते चले गए थे ब्रिटिश वाले। लेकिन इंडियन इसने हिस्टोरियंस ने क्या किया, इंडियन हिस्टोरियंस ने इस चीज़ को बदला, उन लोगों ने देश का अच्छा चीज़, ठीक है, जो कल्चर है, ग्लोरी है इंडिया का, जो इंडिया का सबसे ज़्यादा चीज़ें फेमस है, उनको अपने राइटिंग में लाने की कोशिश की, ठीक है। तो विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, इसने महाराष्ट्र के बारे में लिखा, चिपलुंकर जी ने महाराष्ट्र के बारे में लिखा, उसने इतना भी बोला कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडिया का हिस्ट्री लिखा है वो पूरी तरीके से गलत है और पूरा हमारा इज्जत निकालने वाला काम है, ऐसा कोई भी हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, उसने उस चीज़ का विरोध किया। तो एक हिस्टोरियन का गोल्डन ईरा कब शुरू हुआ, हमारी इंडिया का हिस्ट्री का गोल्डन एरा कब शुरू हुआ, अच्छा चीज़ कब दिखने लग गया, जब ये चिपलुंकर जैसे लोग और इंडियन हिस्टोरियंस जैसे लोग हमारे देश में आए और देश में आकर इन्होंने हमारे बारे में हिस्ट्री लिखना शुरू किया। क्योंकि जो देखो, अगर मैं बोलूँ तुम्हें इंडिया के बारे में लिखने के लिए, तो तुम लोग बहुत अच्छा लिखोगे, बहुत ही कम गंदा लिखोगे कि हाँ ऐसा ऐसा है। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि हमारे एनिमी देश के बारे में लिखो, एनिमी कंट्रीज़ के बारे में लिखो, ठीक है ना, तो दूसरे कंट्रीज़ के बारे में लिखने जाओगे एनिमी कंट्रीज़ के बारे में, तो तुमसे ज़्यादा बुरा लैंग्वेज ही निकलेगा, सबसे ख़राब ही निकलेगा, अच्छा तो बहुत ही कम निकलेगा। तो उसी तरीके से ब्रिटिश का भी हालत था, ब्रिटिश लोग सिर्फ बुरा ही लिखते थे, किस तरीके से इन पर रूल किया जाए वही लिखते थे। तो ये इंडियन हिस्ट्री ने चेंज किया, एक गोल्डन एरा शुरू किया। महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मजूमदार, काशी प्रसाद, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंदिराजी, वासुदेव विष्णु मिश्रा सी एंड अनंत सदस्यु अटेकर्स आर नेम ऑफ द सम रिनाउंड स्कॉलर्स अमंग द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन। तो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन में देखो इतने सारे लोग, ठीक है, सावरकर, हर जगह से तुम देखोगे, इसमें बंगाली भी है, इसमें साउथ का आदमी भी है, इसमें नॉर्थ का आदमी भी है, इसमें यूपी का भी है, तो हर जगह से सब लोगों ने मिलकर सपोर्ट किया और इंडिया के हिस्ट्री के बारे में लिखना शुरू किया, ठीक है, क्लियर। तो राजवाड़े जो है, उसने राजवाड़े को बहुत फेमस था, उसने हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक में और ग्रामर्स में बहुत मतलब उसने स्कॉलरशिप हासिल की थी, मतलब पढ़ाई किया था उसने, और उसने महाराष्ट्र के बारे में लिखकर और हिस्ट्री के बारे में लिखकर 22 वॉल्यूम निकाले ऑफ मराठांचा इतिहासाची साधने, ठीक है, मतलब ये जो मराठी इंसान है, जो मराठे कास्ट है, उन्होंने हिस्ट्री के बारे में जो सपोर्ट किया, जो लिखा, उनका भी एक राइटिंग कि भाई किस तरीके से ये हिस्टोरियंस ऊपर आए, ठीक है। और ये सारी हिस्ट्री में हमारे पास्ट सोसाइटी, हमारे पॉलिटिकल इमेजेस, कॉन्स्पिरेसी, क्या गुप्त बातें होती थी, वार, किस तरीके से किसने कब अटैक किया, हमने किस पर अटैक किया, कब हम जीते, कब हम हारे,
कितना हमने नुकसान किया, ये सब कुछ इस तारीख के बुक में था। अब इंडिया के वार के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, देखो, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 रिटन बाय दामोदर सावरकर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो दामोदर सावरकर ने ये जो बुक लिखा था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और इसमें हमारे इंडिया ने कौन से लड़ाइयाँ लड़ी हैं ब्रिटिश के टाइम पे, कब कब लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कब कब जीती हैं, कब हारी हैं, ठीक है, और कब पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई है, कब चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई है, सब कुछ ये चाइना की लड़ाई और पाकिस्तान की लड़ाई इसमें नहीं आएगी, मैंने गलत बोला, क्योंकि 1857 में ही ये लिख दिया गया था, ठीक है, तब तो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा भी नहीं हुआ था, गलत बोला मैंने, ये सब ब्रिटिश के लड़ाई के बारे में, ठीक है, सारी ब्रिटिश के साथ कौन से छोटी मोटी लड़ाइयाँ थी, ये सारे इस बुक में दी गई है, ठीक है, क्लियर। और इतना ही नहीं, ज्योग्राफिकल कंडीशन हमारा इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता था, क्या क्या किधर सोना मिलता था, किधर कोल मिलता था, ये सब भी बुक्स में अवेलेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद हमारी हिस्ट्री क्या थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं।